बाकी उम्मीदें तो काफ़ी है भाई, फर्स्ट टाइम माइक से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी कंटेंट क्रिएटर वाली रियल फीलिंग आ रही है। वैसे मैं खुद को मानता नहीं क्योंकि भाई मात्र 27 सब्सक्राइबर में कौन सा कंटेंट क्रिएटर बन जाता है भाई। ओके हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा शू कलेक्शन। ओके, बाकी ये काफ़ी पुराना शू कलेक्शन है। ओके, नहीं हाल ही में लिया था, इतना पुराना भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है अपना शू कलेक्शन। इधर रेड टैप है, इधर अंडर आर्मर है, इधर एडिडास है। बाकी ये दोनों तो मैंने आपको पता ही, मैंने लिए थे। एक एडिडास का लिया था एक्स्ट्रा, ये वाला नहीं था, वो चोरी हो गए थे, आपको पता ही होगा। उसको एक दिन बाद में भाई मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, टाइफाइड आ गया था क्योंकि मुझे। बाकी ये अपने नए वाले शूज़ है, और इसको मैं अनरैप करके दिखाता हूँ आपको। ओके, बाय द वे बाइक ये थे फ्लिपकार्ट से, एक्चुअली बिगिनर डे सेल में। ओके, बाकी ये थे अपने शूज़। बाकी मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगा कि मैंने इसको पहन के देखा था तो कैसे लग रहे थे। इंस्टा पे पोस्ट भी डाली थी, लेकिन बात यह है कि भाई इसके नीचे की हिंज मुझे बाद में विजिबल हुई जब ये मुझे डिलीवर हुए। देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिंज है, देखो भाई। तो इसकी वजह से क्या, वज़न पड़ने पे ये शूज़ है ना बीच में से सुकड़ से जाते। ओके, तो मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगा इसका, तो मैं इसको वापस रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी थी। बाकी इसका बिल का बिल था, एड्रेस ऐड कर देता हूँ मैं, बिल था। ओके, ओके, ओके गाइस। बाकी इसको मैं आज रिटर्न करने वाला क्योंकि इसका एक माइनस पॉइंट लगा यार, मुझे काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट था। बाकी आपने हमारे और आपने दूसरे जूते तो देखे ही हो गए अपने, जो कि वो भी अच्छे देखने में, वो भी बढ़िया जूते हैं एक्चुअली। क्यों तो ये मुझे, वो मुझे एडिडास से ज़्यादा फेवरेट है। ये है अपने मस्त से अंडर आर्मर शू, ये भाई मेरे फेवरेट है यार। ओके, सबसे फेवरेट जूते यही है मेरे अभी तो तीनों में से। बाकी एक अपने पास ये है अपने रेड टैप के स्नीकर, काफ़ी बढ़िया थे ये भी काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। ये मैंने उसी टाइम पे मंगवा लिए थे, मैंने आपको एक ही साथ दिखा देता हूँ। ओके, ये अपने रेड टैप के स्नीकर्स। सोचा हूँ एक शू बॉक्स मंगवा लूँ यार रखने के लिए। और इसके अलावा अपने पास था भाई एक अपना शू साफ करने के लिए किट। इसको इसका नाम क्या है, मैं सर्च करते हैं। ये शुगर का है, द स्टैंडर्ड किट। ये स्टैंडर्ड वाला था, एक इससे प्लस वाला था, वो मैंने बाय नहीं किया था क्योंकि इतना पैसा खर्चे यार, इससे ही काम चल जाता था अपना। बाकी इसकी MRP भी लिखी हुई है यहाँ पर, MRP होने तो चाहिए यार, पता नहीं। अमेज़न से मंगवाया था बाय द वे, और ये तीनों शूज़ मैंने मंगवाए थे फ्लिप से। ओके, आपको दिखाना था ये थोड़ा अपना है, सेव नाउ स्पेंड लेटर, ये ज़रूर करना आप भी। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसे लगे शूज़ ज़रूर बताना। और गाइस, हमने दूसरे जूते मंगवाए अभी, और ये एडिडास वाले ये वापस जाने वाले। ओके, उसकी जगह मंगवाए हमने नाइकी। ओके, नाइकी ट्रेल 4। ओके, आपने नाम सुना होगा, वो 1150 के पड़े थे मुझे, 11,000 यार, एक तो मैं बोलते बोलते अटक गया, तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, 11,500 रुपीज़ के, सॉरी। ओके, और बाकी और उसके अलावा एक और जूते आ रहे हैं अपने प्यूमा। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फोटो वगैरह दाएं बाएं लगा कि, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, जब आएगी तब ही देख लेना। ओके, बाकी मतलब उसके आने में टाइम है, और मैं अभी नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ, भूख लग रही है तो कुछ जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ओके बाय, नहीं ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, और ये भाई मेरे फ्रेंड का माइक है। ओके, ये डिजिटेक का आप देख ही सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर बैठा था सोफे पे, बाकी ये डिजिटेक का माइक है, और मैंने मांग लिया था क्योंकि भाई मुझे यूज़ करके देखना था, अच्छा लगेगा तो 2-3 हम भी ले लेंगे भाई। मेनली साउंड अच्छा होना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने 174 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए, लेकिन भाई अभी तक माइक में कुछ भी सुधार नहीं आया। एक आया था पता नहीं जनरल का, पता नहीं कौन सा माइक था, वो भी मेरे ड्रॉअर में रखा है, वो भी टूटा हुआ। ओके, बाकी फ़िलहाल ये मेरे फ्रेंड का माइक है। ओके, बाकी देखता है भाई मैं इसका, अगर इसका ऑडियो अच्छा आया तो भैया 3-4 माइक तो ले आएंगे हम, गिव अवे कर दूंगा।
बाकी फिलहाल देखते हैं इसका ऑडियो कैसा आता है। बाकी अपने एडिडास के शूज़ अभी तक रिटर्न नहीं हुए क्योंकि अभी तक फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय आया नहीं है। ओके बाकी देखते, उसको शायद से 48 घंटे का टाइम आ रहा था भाई, मैंने फ़ोन पे चेक किया था, अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना। ओके बाकी हमारे पास अभी भाई हो चुके हैं 3 शू पेयर। ओके 3 शू आ चुके हैं, बाकी एडिडास को भेजेंगे। और अपने पास आ रहे हैं न्यू नाइकी। ओके नाइकी आ रहे हैं अपने पास, बाकी फ़िलहाल नाइकी हमने मंगवाया है, एडिडास जाएंगे, नाइकी आएगी भाई। लेकिन एडिडास भाई काफ़ी कॉस्टली वाले थे, वो अलग बात है भाई। मैंने सेल में लिए थे बिग बिलियन डेज वाली में भाई, 19,000 के जूते थे वो भाई, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। मन नहीं हो रहा भाई बेचने का, 19,000 के जूते भाई, एक साल तक पता नहीं कितना भाई, बहुत कॉस्टली थे भाई। बाकी जूतों का नाम था, सही से मैंने डाल दिया था, चाहे आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जूतों का नाम था एडिडास अल्ट्रा बूस्ट रनिंग शूज सीरीज 23। ओके वाइट कलर के थे। ओके बाकी फ़िलहाल मैं इसका ऑडियो चेक करता हूँ, मेनली तो मैं ज़्यादा बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका ऑडियो मुझे चेक करना है कैसा आता है कैसा नहीं आता। अगर भाई अच्छा आया तो भाई कल ही लेके आऊँगा अगर मुझे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि भाई काफ़ी समय से साउंड में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया अपने कंटेंट में। ओके ये देखते हैं भाई, ये अपने दोस्त का माइक है, ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी उम्मीदें तो काफ़ी है भाई, फर्स्ट टाइम माइक से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी कॉन्टेंट क्रिएटर वाली रियल फीलिंग आ रही है। वैसे मैं खुद को मानता नहीं क्योंकि भाई मात्र 27 सब्सक्राइबर में कौन सा कॉन्टेंट क्रिएटर बन जाता है भाई। ओके बाकी फ़िलहाल देखते इसको क्या रिजल्ट आता है, मैं चेक करता हूँ। बाकी अच्छा लगा तो लिया हुआ, बाकी आप कमेंट करके जरूर बता देना भाई वीडियो अच्छी लगी हो, और मतलब कि साउंड बताना बाकी कि साउंड अच्छा लग रहा हो आपको तो भाई मैं सच में लेके आ जाऊँगा। ओके आप मुझे बस बता देना कि भाई सही है, आप लेके आ जाओ माइक, बढ़िया माइक है, कमेंट ठोक के कर देना, मैं ठोक के लेके आ जाऊँगा, दुकान पीछे ही है। बाकी फ़िलहाल देखता हूँ मैं इसका कैसा साउंड है, और बाकी अभी अपने जूतों का आने में टाइम है तो देखते कितना टाइम लगता है। रिफंड में डाल दिए थे वैसे मैंने एडिडास के अल्ट्रा बूस्ट शूज़, होके अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगी 6-7 दिन वर्किंग डेज में। ओके देखते कितना टाइम लगता है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात और अभी तक भाई अपने शूज़ रिप्लेसमेंट के लिए नहीं गए क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय अभी तक आया नहीं है। अपने अल्ट्रा बूस्ट लाइट शूज़ जो भी उनका नाम है वो अभी तक के अभी यहीं पर रखे हैं, ओके ड्रॉअर में रखे हैं। बाकी 48 घंटे का टाइम आया था तो कल का दिन अभी एक दिन और बचा है तो कल शायद से हो सकता है, मे भी शायद से हो जाए कल। ओके बाकी ये माइक की वीडियो बताना कर से जरूर, और मैं शायद से मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे कल भी एक दिन पूरा ट्राई करने के लिए दे दी क्योंकि मैंने आधे व्लॉग से ये माइक लगाना शुरू किया था। ओके तो वो बात भी आ जाएगी। ओके बाकी फ़िलहाल गाइस मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी अपने शूज़ यहीं पर रखे हैं देख लो यार। ओके बाय।